अस्सलामुअलैकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। माह रमजान करीम का आज पहला रोज़ है और सुबह सुबह के अभी 7 बजे है। मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम से पहले अपनी आखिरी एक्टिविटी है। टुडे इज़ द डे। लास्ट टाइम जिस कॉलेज में मैं गया था, अभी उस कॉलेज में जाने नवनीत, तो अभी मैं सीधा टैक्सी पकड़ता हूँ, बस टैक्सी वाला मिल जाए सुबह सुबह। चलो भाई, फाइनली थोड़ी मशक्कत करने के बाद हमें टैक्सी मिल गई है। ये पहुंच गया मैं कॉलेज। टैक्सी पकड़ने में मशक्कत थी, इसके पहले टैक्सी वाला था। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ। तो मेरे घर से लेके कॉलेज आने तक मेरे टैक्सी में लगता है कुछ 60 रुपये, अगर ट्रैफिक नहीं होती, अगर ट्रैफिक होती है तो 80 रुपये तक जाता है। एक ने तो सीधा 200 रुपये बोल दिया। मैं बोला भाई जान दे, सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पहला रोज़ा करके। तो ये रहा अपना कॉलेज नवनीत। अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ दिन और आने, आज का एक दिन हो गया, उसके बाद अभी से 2 बार मुझे यहाँ पे आना है, उसके बाद सीधा फाइनल, उसके बाद ये सारी की सारी दिमाग थोड़ी खत्म हो जाएगी भाई। मैं चाहता हूँ कि जल्दी के जल्दी सब खत्म हो यार, भाई रमजान में अपना फाइनल पेपर तो चलता। ये आ गया फाइनली मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। आपके रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान मुबारक हो, लेकिन टेंशन मुबारक। टेंशन मुबारक भाई, बैग के अंदर भी टेंशन है, हाथ में भी टेंशन है। और बाकी हमें क्लास में पहुँचने वाले हैं। देखा भाई, सऊद भाई का खाली फर्स्ट एड बॉक्स देखा भाई। भाई ये दुनिया का टुकड़ा बना के लाएगा। वालेकुम सलाम भाई, रमजान मुबारक। तो भाई जिस क्लास से हमको बीए निकल गए थे उसी में आ जाना है। ठीक है, एक बार जिंदगी से मोड़ भी लिया। चलो भाई, फाइनली छुट्टी हो गई अपनी, एंड क्लासरूम में मोबाइल अलाउड नहीं था, बाकी जो कुछ भी था बॉक्स पर देखिए हो गया अलहमदिल्ला। और भाई आज नसीब से मैंने अपने आज में स्मार्ट वॉच पहनना भूल गया था। जिस किसी ने भी आज स्मार्ट वॉच पहन के आए थे क्लासेस में, उन सभी की स्मार्ट वॉच जब्त कर लिया था, एंड बाद में दिए, लेकिन स्टिल अल्लाह पाक अलग अलग शुक्र है भाई कि मैं स्मार्ट वॉच पहन के आए नहीं, भूल गया था। बाकी मोबाइल वगैरह सब बैग में रखा दिए थे। मैं सोच रहा हूँ आप टैक्सी में चले आओ, बोर्डवॉक पर टैक्सी का रुकने का नाम ही ले रहा। A few moments later. चलो भाई फाइनली टैक्सी मिल गई। क्या बात है सर, कैसे बैठे थे? बस ना सुनते सुनते आए। टाइम अभी सिर्फ 10:30 ही हो रहा है इस वक्त। ये गर्मी बाप रे बाप रे, दोपहर में तो फिर बैंड बज जाएगी, एकदम चुभने वाली धूप है लिटरली। सभी ने सिर में दर्द तो स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं आपको मैं स्मार्ट वॉच दिखाता हूँ, ये देखो जैसे कि वैसे ही पड़ी है यहाँ पे। 10:35 हो रहे अभी, और नसीब से बाई मिस्टेक में घड़ियाल यहीं भी छोड़ गया चार्जिंग पर रख के, और अपनी बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई असर की पढ़ने में आया था यहाँ पे, मुझे लिटरली 34 सब में जगह मिली है। कहते मैं लास्ट समय बैठा था, लेकिन जैसे जैसे करके मैं 34 सब में पहुंच गया विजय माशाला। आपको दिखाता हूँ यहाँ का भी क्या सीन है। माशाला से यहाँ पे जो रेकड़ी लग चुकी है, यहाँ पे अलग अलग आपको खाने की चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेड मिला, यहाँ पे फ्रूट मिल रहा है, यहाँ पे सब लगना बाकी है। भाई जितना जितने मिलेगा आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सीख पराठे वाला है, यहाँ पे ढोल वाला, यहाँ पे सूप है, अभी है यहाँ पे फ्रूट है, यहाँ पे भी फ्रूट है, बाकी यहाँ पे क्या, यहाँ पे फ्रूट है, खजूर है, और यहाँ पे अंडा पाव मिल रहा है। सही से क्या बात है, चना मटर खरीद मटर जस्ट नेम इट एज छिलके वाले जेवन मिल रहा है। फ्रूट यहाँ पे भी है, फ्रूट वहाँ पे भी है, रगड़ा यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे रगड़ा मिल रहा है। आगे तक आप देख सकते हैं, देखो भाई फुल ऑन यहाँ पे रगड़ा मिल रहा है, रगड़ा
माहिर रमजान करीम के मुबारक महीने के पहले दिन हमारे गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन भी है माशाल्लाह से आज। या गौस अल मदद, गौस पाक दादा के सदके और वसीले से अल्लाह पाक फलिस्तीन के इन गाज़ा के मुसलमानों पे रहम करे, करम करे, आमीन। तो ये रहा हमारे पहले रोज़े का दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह से। आज कोई फ्राइड आइटम नहीं है क्योंकि आज हमने घर में बनाए हैं फ्राइड राइस। इफ्तारी करने के थोड़ी देर बाद में क्या सीधा तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये आप देख रहे हो माशाल्लाह से झूमर क्या मस्त लग गया। तरावी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल टास्क होता है हमें चप्पल ढूंढना रहता है। चप्पल हमने कहाँ होता है, कहाँ जाके मिलती है यार? रमजान के महीने में नाकुदा मल्ला इतना खाली कर देखिए, अजीब लगा। तो अभी आपको लेके चल रहा हूँ सीधा अपनी मीनार मस्जिद की गली, वहाँ पे देखते हैं भाई रमजान के रौनक की, आपको भी दिखाता हूँ माशाल्लाह से बहुत मजा आएगा। और ये देखो पुलिस का टेंट वेंट भी लग चुका है, देखो आर्मी वर्मी सब बैठे हैं, फुल ऑन प्रोटोकॉल। यहाँ पे पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है, तो ये बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ से जगह है अपने जाने के लिए, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक खाने का सेटअप इस गली में मिलता है। ये देखो मोजीटो, ये डेकोरेशन बहुत सही लगा। ओहो हो भाई साहब, आगे गर्दी देखो खाली। और यहाँ पे राहुल के दोस्त का भी स्टॉल लगा हुआ है, वहीं पे चलते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आसम भाई सैंडल वाला। कैसे भाई, ये भाई का स्टॉल है। तो भाई ये माओ वाला सैंडल है और ये सादा सैंडल है। ये सादा वाला आपको मिलेगा कितना, 30 रुपीज का भी। सादा वाला 21-30 रुपए का, ये मावेले का 21-40 रुपए का। जुदा कर लो भाई। तो माशाल्लाह से भाई का ये जो बिजनेस है वो 20-30 साल पुराना है ना भाई, माशाल्लाह भाई चीज एक नंबर है। A few moments later. Thank you. आगे वीडियो में ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी खाना है आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, जस्ट नेम इट एंड हैव इट। अभी रमजान का पहला ही दिन है और पहले दिन का भी आपको टाइम बताता हूँ मैं, रात के सिर्फ 10:30 बजे। और ये देखो भाई ये हाल है, अभी जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे और भीड़ बढ़ेगी माशाल्लाह। ये है एक्चुअल में यहाँ पे खाने पीने का सेटअप, वैसे यहाँ भी खाने पीने का सेटअप है, लेकिन मैं इस गली की जो बात है ना किसी और गली में नहीं है, स्पेशली रमजान के दिन। मेरा खाली घर दे देगा खाने के लिए। ये देखो यहाँ पे माशाल्लाह बाकड़ा लग भी चुका है, और ये बाजू में लगेगा प्रॉब्ली खाने पीने का। देखो पठानी भी माशाल्लाह से लगना स्टार्ट हो चुका है। अरे ये क्या है बे, किधर गए तो? हाँ भाई इस वक्त यहाँ पे मुझे पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो ये भाई यहाँ पे भाई बेची अत्तर 12 घंटे घुस भी रहती है। क्या प्राइस है इसका? 150 पर बॉटल, 350 ml है भाई, सही है, मस्त है भाई। रमजान के लिए बना, खास तौर पर रमजान के लिए बना। सही मोहम्मद रोड पे इतना सन्नाटा अच्छा लग रहा है, लिटरली पब्लिक है ही नहीं यहाँ, पब्लिक के नीचे तो भागने लगा जो भी नहीं है भाई, नहीं तो यहाँ यहाँ तो पब्लिक चल रही होती। अभी देखो भाई कुछ है ही नहीं यार। ओ माशाल्लाह, चलो भाई उठ जाओ, सब जन शहरी का वक्त हो चुका है। मैं अपना व्लॉग एडिट करते करते ये सोचा था और भी बहुत सी चीज़ें तो मैं आपको दिखा सकता था, तो क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, तो वो सब दिमाग में चलते रहते साथ ही साथ मैं व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ऑफ कैमरे में बहुत सी चीज़ें रहती है। मैं अभी जुमा के दिन मुझे ऑफिस से जा रहे हैं नमित कॉलेज, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सी चीज़ें परचेज करना है मुझे, वो सारी की सारी दिमाग में रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाता हूँ रिकॉर्ड करना से एडिट करना। तो अब से मैं व्लॉग के साथ में स्टोरी टेलिंग भी करता रहा, स्टोरी टेलिंग में भी आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ जो कि मैं व्लॉग करते हुए नहीं रिकॉर्ड कर सकता, या फिर बताना भूल जाता हूँ। अभी जो सुबह के 5 बजने वाले, तो अभी हमें दूसरे रोजे की सहरी हो रही है। इसी के साथ साथ इस वॉक में कहता हूँ ये भी समाप्त, इसके आगे जो कुछ होता है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने मिल जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ ये हम सब के रोजे दुआएं नमाज़ें कबूल करें, हम सब की तरह भी कबूल करें आमीन। डू सब्सक्राइब इफ यू आर इंटरेस्टेड, बाकी फॉर मोर अबाउट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन नेट, गिव अ मी टॉप कवर द लाइक फॉर मी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। सो आवन अस अलहमदुलिल्लाह गॉड गिव मी एवरीथिंग।